हेलो दोस्तों, अपने चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लाए हैं सैमसंग का एक डिवाइस। इस डिवाइस में देखिए गूगल लॉक लगा है, गूगल का अकाउंट है, उसको हम लोग बाईपास करना सीखेंगे। तो इस सैमसंग के डिवाइस का FRP बाईपास कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग पहले कन्फर्म कर लेते हैं कि इस मोबाइल में जो है तो FRP लॉक है कि नहीं है। ठीक है, हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, अब प्रोसेस करके आगे जाएंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है और फटाफट मैं वीडियो स्किप करके आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है, चेकिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे गूगल अकाउंट मांग रहा है। ठीक है, अब अपने को अकाउंट तो पता है नहीं और बिना अकाउंट के ये आगे जाता नहीं है। ठीक है, और जो अकाउंट इसमें है वही अकाउंट इसमें डालना पड़ेगा तभी ये एक्सेस लेता है। तो अब अपने को क्या करना है, इसका FRP बाईपास कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए टॉकबैक सिस्टम अपने को ऑन करना है, अभी ऑन नहीं हुआ है। तो बटन से डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया है, सेटिंग्स टॉकबैक की आ चुकी हैं। यहाँ पे देखिए टॉकबैक टू स्पीच, टॉक स्पीच में जाके आपको देखना है। यहाँ पे कोई भी दोनों में से एक ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अपने को बैक करना है, अपने को वापस जाना है। तो अब हम लोग बैक करेंगे ना तो मोबाइल के सेटिंग्स के अंदर हम लोग निकलेंगे। ठीक है, जो मोबाइल के सेटिंग्स होता है हम लोग उसके अंदर होंगे। यहाँ से भी बैक करेंगे तो देखिए अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए जनरल सेटिंग्स में, यहाँ से भी अपने को बाहर निकलना है, यहाँ से भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग अभी कहाँ पे हैं, मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर है। ठीक है, अब मोबाइल की सेटिंग के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, देखिए पहले तो मैं यहाँ से आपको मोबाइल का जो है दो उंगली का यूज करके मोबाइल का जो है मॉडल नंबर क्या है वो मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइस, अबाउट डिवाइस में जाएंगे हम लोग, खुल जा भाई। तो देखिए सैमसंग ग्रैंड प्राइम प्लस, ये सैमसंग का ग्रैंड प्राइम प्लस मॉडल है, पुराना मॉडल है। तो इस पुराने मॉडल का FRP बाईपास अपने को करना है। ठीक है, टॉक बैक अपने को ऑफ करना है। ठीक, ये देखिए हमने ऑफ़ कर लिया है। टॉकबैक की सेटिंग्स तो अभी भी ऑन है, हमने ऑफ़ किया है खाली उसको। ठीक है, पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया है, हम लोग टॉकबैक की सेटिंग्स में अभी भी हैं। तो अपने को उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं यहाँ से कोई ऑप्शन है तो। ओके ठीक, यहाँ से भी देखिए हम लोग गूगल पे जा सकते हैं, एप्लीकेशंस में यहाँ पे भी हम लोग घुस सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग इंटरनेट सेटिंग्स में ही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपना गूगल का पेज सर्च करेंगे, जो भी अपने को एप्लीकेशंस यहाँ से डालनी है यहाँ पे हम लोग डालेंगे। 2023 वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 6GKM अपने को APK डाउनलोड करना है। उसके बाद एक दूसरा एप्लीकेशन डालना है अपने को, क्विक शॉर्टकट मेकर। ये दोनों एप्लीकेशन अपने को इस मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, डालना है। अब इनके डाउनलोड हो जाने के बाद, ठीक है, तो दोनों जब एप्लीकेशन अपने डाउनलोड हो जाएंगे तो अपने को यहाँ पे देखिए इसको चेक करना है। डाउनलोड से यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखिए डाउनलोड हिस्ट्री है, यहाँ से अपने को ये दोनों एप्लीकेशन को दोनों को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग गूगल अकाउंट मैनेजर जो है, जो अकाउंट 6GKM वाला जो डाउनलोड किए थे वो वाला एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद क्विक शॉर्टकट मेकर जो हमने डाला है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, देखिए एंड्रॉयड 6 हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे क्विक शॉर्टकट मेकर अपने को इंस्टॉल करना है। अब देखिए पहले जब हम लोगों ने उसको किया था उसमें ओपन नहीं था, लेकिन इसमें जो है ओपन का ऑप्शन है। ठीक है, अब ओपन हो गया है। अब यहाँ पर अपने को गूगल अकाउंट मैनेजर सर्च करना है। हम लोग यहाँ पर गूगल सर्च कर लेते हैं। आप गूगल भी सर्च करेंगे तो भी आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से अपने को छठवें ऑप्शन में जाना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये जो छठवां ऑप्शन है यहाँ पे अपने को जीमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक जीमेल आईडी मांग रहा है, तो इस डिवाइस में जो था वही वाला डालना है। लेकिन यहाँ पर ब्राउज साइन इन पर करके
हम लोग कोई भी नया जीमेल आईडी डाल सकते हैं जो करंट टाइम में कस्टमर के पास मोबाइल हो, जो करंट टाइम में आपके पास मोबाइल हो, जो जीमेल आईडी आप उसमें यूज कर रहे हो वो आईडी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हमारा तो रिपेयर शॉप है, तो ये जो मोबाइल है वो जिन कस्टमर का है हम उन्हीं का जीमेल आईडी इसमें डाल रहे हैं, तो उनका दूसरे मोबाइल का आईडी इसमें हम लोग डालेंगे, उसका पासवर्ड इसमें डालेंगे, फिर ये आईडी के ज़रिए हम लोग उसको एक्सेस कर देंगे। ठीक है, आप दूसरा कोई नया क्रिएट करके रखे हैं तो भी आप डाल सकते हैं, आप खुद का भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। एक सेकेंड ना, ओ स्पेलिंग मिस्टेक्स दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हो गया है, आईडी भी डाल दिए हैं, पासवर्ड भी डाल दिए हैं। अब ये ले लेगा, आईडी को एक्सेप्ट करेगा और अपने को बाहर निकालेगा। अब यहाँ से अपने को कुछ करना नहीं, पूरी तरह से बैक जाना है, एकदम पूरी तरह से बैक जाना है, स्टार्टिंग के क्विक सेटअप पे आना है। यहाँ पे देखिए सेटअप पे आ गए हैं हम लोग। अब नॉर्मली जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं उस तरह से इसको प्रोसेस करेंगे। देखिए अब यहाँ पे चेकिंग हो रहा, चेकिंग के बाद अपने को पता चलेगा कि इसमें ईमेल आईडी, देखिए अब यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी नहीं मांग रहा। पहले यहाँ कैसा था, डायरेक्ट जीमेल पे जा रहा था, अभी यहाँ पे कैसा अकाउंट ऐड करने के लिए कह रहा। हम लोग नेक्स्ट करके आगे जाएंगे, आगे के स्टेप्स को अपन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए लगभग तो थोड़ा सा वक्त ले रहा है। अब हमारा गूगल अकाउंट, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, नेक्स्ट कर लेंगे हम लोग इसको। अपने को अकाउंट ऐड करना नहीं है, लॉक अभी लगाना नहीं है, तो उसको भी स्किप कर लेते हैं। जैसे डिवाइस लगभग डन हो चुका है, स्टोर अपने को कोई भी डेटा स्टोर, पुराना डेटा स्टोर करना तो है नहीं, तो उसको भी हटा देते हैं। अब पुराना डेटा स्टोर पे क्लिक कर दोगे तो वापस से वो जीमेल आईडी पे चला जाएगा वो। ठीक, तो अपने को तो वो करना है नहीं, तो अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कर लेंगे। लास्ट स्टेप फिनिश हो चुका है हमारा, मोबाइल जो है वो लॉक खोल चुका है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा, ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। और आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके हर एक डाउट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ठीक है, अभी जैसे कि ये हमारा जो डिवाइस है सैमसंग ग्रैंड प्राइम प्लस, अगर आपके पास आता है तो उसका FRP बाईपास कैसे निकालना है आप इस वीडियो को देख के सीख चुके हैं, अब आप खुद के मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ दोस्तों।